बताओ तो सही अपने बारे में, क्या बताऊं मैं। ये एंटोमोलॉजी की स्टूडेंट है और इनको इंसेक्ट कलेक्ट करने पड़ते हैं। इन्होंने मेजर रखा है एंटोमोलॉजी का सोयल साइंस में 4 semester पढ़ने के बाद, ठीक है। एंटोमोलॉजी एक्चुअली मुझे ना बहुत नींद आई हुई तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा वो दूसरा इंसेक्ट भी दिखाओ, फील्ड में जाके कलेक्ट करके लाए हो आप लोग। ये आमना है हमारी जूनियर और ये अपना काम दिखा रही है। तो अगर आप लोग भी एंटोमोलॉजी रखना चाहते हैं तो आप लोग देख लें, आपको ये कीड़े मकोड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे। जिंदा है, आपको जल्दी जल्दी कैप्चर करना पड़ेगा। यार हाँ नीचे से दिखा दो बस। ये देखें भाई, मैंने ये इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मुझे ये कीड़े मकोड़े पकड़ना बहुत मुश्किल काम लगता है। इनको इनके साइंटिफिक नेम याद करना तो जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है, मगर इनकी कलेक्शन करना बहुत मजा आता है। चलें भाई, अगर आप कलेक्शन करना चाहते हैं तो आप एंटोमोलॉजी रख सकते हैं एग्रीकल्चर के 4 semester पढ़ने के बाद। yes. अच्छा तो ये मैं आप लोगों को दूसरी चीज दिखा रही हूँ, ये है एक्टिव सिटीजन डिजिटल मॉडल। अब सुलाइमा एनवायरमेंटल साइंस की बंदी है, ये हमें बताएगी, ये बीएस करी एनवायरमेंटल साइंस में। तो ये क्लाइमेट चेंज पे और COVID-19 पे प्रोग्राम एक जो था वो था कैंप कह लो इसे, और ये ट्रेनिंग थी लोधरा पायलट प्रोजेक्ट LPP से कहते हैं, और ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से था। हो रहा है? नहीं बहावलपुर में भी था। अच्छा, और ये इसकी 4 दिन की ट्रेनिंग थी और ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से था। ये लोधरा के वासियों, देख लो तरक्की हो रही है हमारी। उसके बाद जो है ये जो है ना हमें मिला था सर्टिफिकेट, ये तो सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये हमें मुल्तान से जाके मिला था, मतलब लोधरा और बहावलपुर और मुल्तान तीन एरियाज में इसके लगे थे कैंप, और ये जो है ना हमें ट्रेनिंग दी गई थी। हमने फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ की थी, लैंड डिग्रेडेशन की थी हमने, हमने प्लांटेशन की थी, हमने अवेयरनेस वॉक की थी, हमने डोर टू डोर जाकर कंपेन की थी कि गन ना फैलाएं, अपने गन अपने इलाकों को साफ रखें, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करें, आप लोग साथ देंगे तो हमारा काम होगा। ओके थैंक यू, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी। और ये हम बैठे हैं कॉमन रूम में, ठीक है। ये बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, और ये हमने WWF की तरफ से जो है हमने इंटर्नशिप की थी जिसमें हमने कहा था कि नो मोर प्लास्टिक वेस्ट, और उसमें हमने प्लास्टिक जमा करके अपने एरिया से जहाँ जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ वहाँ से हमने प्लास्टिक पर पर्सन 10 kg हमने प्लास्टिक जो है हमने इकट्ठा किया था, कलेक्ट किया था, अपने एरिया को साफ किया था वर्ल्ड विदाउट प्लास्टिक वेस्ट के तरफ से, और उसके बाद हमें ये बैग जो है वो गिफ्ट मिला था, नो मोर प्लास्टिक वेस्ट। यस, ये है इन्वायरमेंटल साइंस के बंदे, मतलब आप इन्वायरमेंटल साइंस में BS कर सकते हैं। IUB में यहाँ पे अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, MPhil भी कर सकते हैं। आपका कौन सा सेमेस्टर है? मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है। ये सुलाइमा है और ये मेरी दोस्त बन गई है तो फिर मैंने इसको कहा कि आप मेरे व्लॉग में आ जाए, और ये है सिद्रा, इसको व्लॉग में नहीं लिया तो यहीं करी अच्छा अभी हमारी क्लास है थोड़ी देर बाद तो फिर हम जाएंगे, और अभी मैं मतलब मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन है। कंटिन्यूसली हम 3 दिन से यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और शाम को जाते हैं, और इतने लेक्चर्स हैं कि और इतने लेक्चर्स होते हैं इतने कि बस हमारी ना फुल किस्म की बैंड बजी हुई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग यूनिवर्सिटी आने के लिए जो न्यू कमर्स हैं एक्साइटेड हैं? बंद करके फिर से ला लो। चलो अच्छा हाँ, अभी सिद्रा हमें कुछ दिखाने लगी है, निकालो। हमने अपने अपने प्यारे अबू डब्बू के लिए गिफ्ट लिया है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड उसको हम गिफ्ट देंगे। ये आप लोगों ने देखी होंगी, ये वॉल क्लॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी, और जब इसको सेट करेंगे ना फिर हम आपको बताएंगे। तो हमने सोचा था कि हम उसके घर जाएंगे, लेकिन अबू अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं तो हमने प्लान किया था आपके घर आने का, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अभी हम आपको गिफ्ट दे देंगे। हाँ कुछ कहो, ये मेरा प्लान था। हाँ ये प्लान इसका था, लेकिन ईशा और मैंने हम और आपको ये दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ। हाँ अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जब हम खोलेंगे ये क्लॉक तो ये फिर कैसी वॉल पर सेट होगी। ऐसी ना मैं एक दफ़ा यूज़ पहले मैंने मंगाई थी, यूज़ कर रही हूँ तो अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगी वैसे अगर किसी ने लेनी है उनके लग्जरी होम डेकोरेशन। ये हजवेरी डेकोर किया और हमारे अबू ने जो है बहुत ही, मतलब अलीशा ने उसको हम अबू बोलते रहते हैं, तो उसने जो है बहुत ही अच्छे से अपना रूम डेकोरेट किया है, तो फिर हमने सोचा हम उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देते हैं। हमने उसको भी नहीं बताया, आज हम उसको सरप्राइज देंगे।
हाँ ये देखें इस तरह से ना, ये यही वाली है हाँ। ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी सिद्रा ने, ठीक है, और ये इस तरह की होगी। वैसे हमने सोचा था कि हम उसके घर जाके और अच्छा सा करेंगे, लेकिन अभी ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन ये फाके करती है, डरावनी लग रही है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को नहीं लग रहा। मुझे तो इससे मैंने क्या बताया था, मुझे कैसी वाली फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हाँ कुछ वैम्पायर टाइप ना, कि मदर रात को सोया हो यकदम जिसके ऊपर नज़र पड़ जाए तो ऑब्वियसली आप डर जाएंगे। चलिए खैर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये फिर कैसी लगी आप लोगों को। ये देखिए भाई, हमारे अबू डब्बू आ गए हैं पॉइंट्स, और कहाँ गई ये ईशा भी आ गई है। हेलो ईशा। हेलो 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 हेलो, आप इतना लेट क्यों आई हैं? फिर वो DMS के, और अभी हम जा रहे हैं, हाँ अभी हम जा रहे हैं डिपार्टमेंट, और अलीशा आ गई है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम खाएंगे अच्छा सा खाना जो कि अलीशा अपने घर से हमारे लिए लेके आई है। ये देखें हम चार फ्रेंड्स, ये रही हम चार फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी हम आ गए हैं जी अपने डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छे राइस लेके आने के लिए और चार चम्मच भी लेकर आए। वो साथ में जर्दा भी है। हाँ, और क्या है, बस जर्दा भी है। वो गुलाब जामुन घर भूल आए। गुलाब जामुन और बर्फी घर भूल आए। खाओ ईशा, आप किसके इंतजार? 2 किलो मिठाई थी चम्मच के। तो मिठाई क्यों लेकर आए थे तुम्हारे घर? वो लेके आए थे अपनी खाने के लिए। थैंक यू रूही पप्पा, रूही पप्पा ने बनाया। थैंक यू रूही पप्पा, वीडियो दिखा दी, ठीक है? ठीक है, ये देखें ये हमारे कोमा रूम से बाहर के हालात। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा कि हम खाना शाना खा रहे थे, और अभी हम देने लगे हैं अपने अबू डब्बू को गिफ्ट, और लेट्स सी कि उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं जो कि आप लोग नहीं देख सकते अनफॉर्चुनेटली। यस, ये क्या है? इसमें चूहे मरे हुए हैं, ठीक है, वो आपके लिए। आराम से ना, अगले बंदा जो देता है ना गिफ्ट, उसका दिल रखते होते हैं, फाड़ते नहीं, आराम आराम से खोलते हैं। मदद करो खोलने में। ईशा को कह रही हूँ, ईशा तुम कुछ बोलो, वो मुझे इशारे करके पूछ रही है मैं क्या बोलूँ। ईशा तुम बोलोगे अब वो आप आपके रूम में ये बहुत अच्छी लगे, ठीक है? गाना गाओ, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू। यार मैं खोलती हूँ एक मिनट। नहीं नहीं उधर से ना करो, वो मसला होगा, ये काट लो इसे, ये देखना। अरे अब्बू को ट्रिक्स ना आते हो ऐसा, हाउ इज इट पॉसिबल? आप देखो खराब कर दिए, इतना हमने प्यार से महंगा गत्ता लिया है और अब वो वैसे हम आपके घर आके देना चाहते थे आपको, फिर आप लोग मेरे घर नहीं आ रहे। अब हम आपके घर, वो आपने कहा था ना आना। मैंने कहा है, ये है क्लॉक जो कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी, अब वो देखने देती सरप्राइज सारा खराब हो गया। ये क्या हो गया, ये व्लॉग बन गया अब आपका। आप सिद्रा बहन की चूड़ियां देख सकते हैं, इसकी कलाई में कितनी खूबसूरत लग रही है यार, इतनी अच्छी लग रही है। अबू के हाथ भी बहुत प्यारे आ रहे हैं, अबू के हाथ भी बहुत प्यारे आ रहे हैं। यार ये तो फंस गया। अबे निकल जा। मुझे लगता है अगर हम उल्टा करके निकाले तो शायद मदद हो जाए। अब ताकत ही नहीं है इतनी के खोल सके। आप खोल दो, फिर कैमरा कौन पकड़ेगा? ईशा तो राजी है। और हाँ जी, अभी हमारी क्लास भी, और 2 क्लासेस है हमारी और 1 तो 3 घंटे की क्लास है। ओ वाओ, खुल गया। ये आपने अपने घर जाके सेट करनी है क्लॉक, ठीक है? ये देखें भाई, ये क्लॉक है। चले, ये क्या आप पटाखे बजा लो पहले। अभी कॉमन रूम में बहुत ज़्यादा शोर है, पता नहीं आप लोगों को सही से आवाज़ आ रही होगी या नहीं। बस जिस बात ही हो गए अब लाया कौन है सर, आपने ना ये लगा के ना अपनी वॉल पे वीडियो बना के भेजनी है, ठीक है? मैं तो वो चले, मैं सब शुक्रिया वाले अल्फाज भी बोल दें, ठीक है? चल रहे हैं, लंबी हो गई, चल रहे हैं। ये देखो हमारे मैकेनिक, चल रहे खोल तो लूँ।
अच्छा ये अब कैसे लगेगी, मुझे तो ये भी नहीं पता। हटा जमीन पे लगा। मैं नहीं 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 ऐसे नहीं लगेगी ये, मैं बताती हूँ। ये उन्होंने ये सारा दिया हुआ मेथड थी, ये बल्कि उन्होंने अपना वो दिया। ये आपने खोलना है ठीक है, और ये आप अपनी दीवार पे पेस्ट कर देंगे, टेप इसके साथ वो होगी। अच्छा बोलो, इधर ही कहीं टेप होगी, ये आप खोलेंगी ठीक है। ये इतनी बड़ी लग तुम्हारी जगह ले लेगी ठीक है। और ये आपने ना दीवार पे पेस्ट करनी है, देन जैसे कि ये कौन सा 9 यहाँ पे आ जाएगा। हाँ। और ये उतार के ना यहाँ से ये लग जाएगी दीवार पे, फिर ये ऊपर वाला उतार देना, वो नीचे से ब्लैक आ जाएगा। सही है, समझ आ गई। ये उतार के लगा रहे हैं अभी तो ना उतार। सॉरी क्या, थैंक यू बोलो। थैंक यू थैंक यू को, थैंक यू मेरी औलाद। थैंक यू। दुनिया में ऐसी औलाद मैंने नहीं देखी जो इतनी अच्छी हो। कहो। हाँ, दुनिया में मैंने ऐसी औलाद नहीं देखी जो इतनी अच्छी हो। ठीक है, ये तो मुझे पटाखे बात नहीं कहती। पटाखे बजाने दो। हमारे फर्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है और अभी हम जा रहे हैं लेक्चर लेने। अस्सलाम वालेकुम। और अभी हम जा रहे हैं जी अपना फर्स्ट लेक्चर लेने। डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा शोर है। लेक्चर हमारे ख़त्म हो गया और कंजेक्टिव 4 लेक्चर्स थे। चलो बताओ कुछ। बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। लिखवा लिए बस, हाल करने वाले हो गए हैं। कमर तो वैसे टूट रही है पिछले 2-3 दिन से। हाथ भी टूट गए, कमर भी टूट गई है कंसेक्टिव 4 लेक्चर लेने के बाद। इन्हें चाहिए हमें बहुत अच्छी सी गेमिंग चेयर दें बैठ के, बैठ के जिंदगी में सुकून आ जाए। जी कौन सा चेयर के बारे में आपकी क्या? चेयर नहीं, जो आज हमने इतना 4 कंसेक्टिव लेक्चर हमने अटेंड किए हैं, इतना लिखवाया मेरे ना हाथ ऐसे हो गया टूटा। कल की टुंडी थी। ओह माय गॉड, सही बात है। आज हमारे 4 कंसेक्टिव लेक्चर हुए हैं और हम ना थक गए हैं फुल। चले खैर, और तुमने मुझसे कहा कि ओ मैडम ने कहा कि मैं ना जाते जाते हुए ना सबसे सुन के जाऊंगी। मैम कहती मैं सुनूंगी सबसे, सबसे पहले मुझे खड़ा करके, इसको खड़ा करके कहती चलें जी सुनाए शुरू हो जाए। और हम वहाँ पे, लेकिन खैर मैम ने मुझसे भी सुना और ईशा से भी सुना, सिजरा से भी सुना, अलीशा से नहीं सुना मैम ने। ये को मैम की क्या होता है, बाबू तुम्हारा? अच्छा बाबू होता है। अच्छा अब्बू से मैम ने नहीं सुना, मतलब हमारे साथ ही कोई जुल्म करना था, हमसे सुन लिया। वो सबसे पहले सिदरा को खड़ा कर दिया क्लास में। तुम सुनाओ। अभी हम जा रहे हैं एजुकेशन कैंटीन पे क्योंकि हमें बहुत भूख लग गई है। और वैसे तो बहुत सारी कैंटीन है यूनिवर्सिटी में। और घर जा रहे हैं, कौन घर जा रहा है? हम लोग इसी जा रहे हैं। इसी पे हम इसलिए जाते होते हैं क्योंकि वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है ले रही हूं मैं। और हाँ इसलिए जाते होते हैं। वैसे तो हमारी अपने डिपार्टमेंट की कैंटीन भी है, एग्रीकल्चर कैंटीन, लेकिन हम यहाँ इसको प्रेफर नहीं करते हम इसको। मैं बता दी हूं बस कुछ नहीं, नहीं 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 वो नहीं बता सकते हम। ये हमारी कैंटीन है, यूनिवर्सिटी गए होंगे। हाँ अकलमंद लोग हैं, समझ गए होंगे। तो अभी हम एजुकेशन कैंटीन पर जा रहे हैं एंड देन फिर देखते हैं, पॉइंट लेते हैं, घर जाते हैं। और थक गए हैं थक गए हैं। मैं सो रही थी, लिटरली मैं सो रही थी लेक्चर में। मैम ने मुझे देखा, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरे कहा ये मुझे क्लास से बाहर निकाल देगी अभी। मेशा को बार बार कह रही, यार ये कब खत्म करेगी, कब खत्म करेगी। वो कह रही थी मैंने अटेंडेंस ले लिया जिसने दफा होना हो जाए। हाँ लेकिन खैर ऐसे तो जा नहीं ना सकते थे, फिर कोई भी नहीं गया, वो उठ के चला गया सीआर, वो वापस आ गया। और अभी जो है ये शाम का टाइम है, मतलब अभी शाम का टाइम है। ये एग्रीकल्चर कैंटीन है हमारी यूनिवर्सिटी की और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखें। लोगों को नहीं दिखाना मैंने। और ये हमारे डिपार्टमेंट, अभी हम चल के आ गए एंड देन वी आर गोइंग। ये देखें मेरी फ्रेंड्स जा रही हैं, अनम हमारे साथ है, ये हमारी जूनियर है सोशल साइंस में ना। और ये देखें भाई, ये पॉइंट्स आए हुए हैं आई थिंक 5:30 के। और ये मेरी फ्रेंड्स, बस भागम दौड़ी में जो है हम जा रहे हैं, हमारे पॉइंट्स भी आने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग बस यही एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप। और आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मेरी एनर्जी डाउन है, मैं नहीं चाहती आप लोगों की भी एनर्जी डाउन हो। मैं और कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी, अब बस घर जाना है। तो हाँ मैं क्या कह रही थी, कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन गिव अ बिग थम्स अप और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़। Because of you, dripping light, paint the sky, only you. MC.
इसी में मगरिब के बाद का नज़ारा देखें, पॉइंट्स भी आए हुए हैं और 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक यूनिवर्सिटी में पॉइंट्स चलते हैं, क्योंकि जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं और जो रिसर्च करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनकी आई थिंक काफ़ी लेट क्लासेस होती हैं। तो सबसे आगे ये अहमदपुर का पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है और वो पीछे भी अहमदपुर का है। दो पॉइंट जाते हैं आई थिंक, सिर्फ काफ़ी ज़्यादा है। चलो मैं भी अब जाती हूँ पॉइंट में।